हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों को स्वागत है आपके चैनल फर्स्ट एडिट सोल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर बहुत ही खास और बहुत ही अमेजिंग वीडियो को रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम हमेशा यार इंडिया से रिलेटेड अमेजिंग वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो नेम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। वहाँ से मेरे से बातें कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर बहुत ही यार, जैसे कि आगे ही मैंने कहा ना, बहुत ही खास वीडियो है और आपको इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं 20 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा इंडिया पहले बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, अभी भी बड़ा ही कंट्री है, लेकिन इससे भी बड़ा हुआ करता था पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में ही था। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, उस टाइम के कुछ फैक्ट्स को हम देखेंगे और लास्ट में अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा। आपके दिल में कोई बात हो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो, मैं हर एक भाइयों का बात रिप्लाई करता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ जमीन का ही नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं, वो लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 20, भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और वहां फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। ये मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 19, कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए, सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नंबर 18, माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए दोनों देश अलग अलग दिन आज़ाद हुए। नंबर 17, पाकिस्तान एक अलग देश बना था, उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नंबर 16, जैसे एक परिवार में दो भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज को बांटा जाता है, भारत पाक बंटवारे के दौरान भी जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीजों के बंटवारे को लेकर काफी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 15, भारत के वॉइसरॉय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां सोने से जड़ी थी तो 6 चांदी से। दोनों देश सोने की गाड़ियां चाहते थे। इसको लेकर काफी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ियां जाएंगी और किसके पास चांदी की। अंत में ये तय हुआ कि टॉस करके इस बात का फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियां किसके पास रहेंगी, और नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 14, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। नंबर 13, अप्रैल 1948 को
प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1,00,000 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी फिल्म्स दिखाई जाती थी, जिन्हें एक बार में 15,000 लोग देखते थे। नंबर 12। 14 अगस्त 1947 को, जब भारत को आज़ादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हजारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, माउंट बैटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडविना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माई फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। नंबर 11। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। उधर माउंट बैटन को ये बात अनुभव हो रही थी कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द देश को आज़ाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंट बैटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 10। बम्बई के गवर्नर जॉन कोलविल ने माउंट बैटन को लिखा कि भारत की आज़ादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया गया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंट बैटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया और उसके ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और माउंट बैटन को एक नया डिज़ाइन भिजवाया जिसमें बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। माउंट बैटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह से विदा कर दिया गया। नंबर 9। देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा रहा था। पंडित नेहरू ने माउंट बैटन की इस गुजारिश को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस ना लगे। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। नंबर 8। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आज़ादी की रस्म के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7। सिरिल रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए और ना ही इसके बाद वे कभी भारत लौटे। जब रेडक्लिफ भारत आए, उस वक्त उन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक स्थिति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहां तक कि उन्हें भारत की जियोग्राफी की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। नंबर 6। रेडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने
50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रेडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर, दोनों ने ही जमकर रेडक्लिफ की आलोचना की। इससे रेडक्लिफ नाराज हो गए। रेडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आजाद हो गए और देश का बंटवारा हो चुका था, लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। ये एक बड़ा कारण था कि देश की इतनी बुरी हालत हुई और इतने लोग मारे गए, क्योंकि आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश रहे थे। नंबर 3, हिस्टोरियन लियोनार्ड मोजली लिखते हैं, अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट आजादी से पहले पब्लिश हो जाती और इसकी जानकारी पहले ही पता होती कि कौन सा हिस्सा किस देश में जा रहा है, तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता था। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देश की आजादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। नंबर 2, हिस्टोरियन माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। जितना टाइम उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1,40,00,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। बंटवारे के दौरान अगर किसी की सबसे बुरी दुर्दशा हुई थी तो वो बच्चे और महिलाएं थी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, वीडियो फाइनली ख़त्म भी हो चुका है। इस वीडियो में जो जो बातें कही गई है उनमें से मैं मुश्किल से 1-2 बातें ही मुझे पता था और सारी की सारी बातें इस वीडियो से मुझे जानने का मौका मिला है। हो सकता है आपको भी बहुत ही सारे बात ऑलरेडी पता था बंटवारे के बारे में और कुछ बात जो आपको पता नहीं थी इस वीडियो से आपको जानने का मौका मिला हो। इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा यार बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा है यार, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा, पहले तो अंग्रेज़ों ने इंडिया को लूटा, जब अंग्रेज चले गए उसके बाद इंडिया का एक बड़ा सा ज़मीन को अलग कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्री। तो सोचिए यार, आज के टाइम पर ना कोई भी देश ना एक थोड़ा सा 1 इंच भी ज़मीन अपना इधर उधर नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया ने अपना छाती चीर कर यार उतना बड़ा पार्ट को दे दिया और नाम रख दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्री। तो सोचिए यार, इंडिया के लोगों पर क्या बीती होगी, जो इंडिया का इंडिया में जन्मे हुए लोग हैं ना उन पर क्या बीती हुई होगी। और वो आज तो उसी, आपको तो पता ही होगा ना, पाकिस्तान इंडिया का ही एक बड़ा सा पार्ट है, पहले हुआ करता था, इंडिया ही हुआ करता था, लेकिन आज वही पाकिस्तान इंडिया को आँख दिखाता है, अपने बाप को आँख दिखाता है यार। ये पाकिस्तान को तो नाम ही नहीं था ना, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे कंट्री का नाम ही नहीं था इस दुनिया पर, एक ही नाम था हिंदुस्तान इंडिया। और ये ही नहीं यार, वो ज़मीन तो अलग कर ही दिया, लेकिन इंडिया में जो जो चीज़ बाकी था ना, पैसे, गाड़ी घोड़ा, ज्वेलरी, जो जो चीज़ इंडिया में था ना, उन सब पर भी पाकिस्तान को आधा कर दिया गया। तो सोचिए यार, इंडिया का हर एक चीज़ यार, फीलिंग को भी तोड़ दिया गया, इंडिया के पैसे को भी आधा आधा कर दिया गया। और ये तो ये पाकिस्तानियों ने तो ये भी कह दिया था कि, जैसे कि इसी वीडियो से जानने का मौका मिला है, ताजमहल को तोड़कर हम पाकिस्तान में ले जाकर बनाएंगे, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा ताजमहल जो है वो मुस्लिम राजा ने बनवाया था, हालांकि ये बात सक्सेस नहीं हुआ
और पाकिस्तान ने इंडिया में ही है ताजमहल, और कितना अच्छा दिखता है आज ताजमहल। ये सब सहने के बाद भी ना आज इंडिया कहाँ पर है आप सोच ही सकते होंगे, सुपर पावर बनने की कतार में है। ये होता है हार्ड वर्किंग, इंडिया के लोग कितने हार्ड वर्किंग है इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और आप देखिए पाकिस्तान उसी टाइम पर इंडिया से अलग हुआ, दोनों का कंडीशन साथ साथ सेम सेम था। इंडिया में ही उतना ही संपत्ति था, पाकिस्तान में ही उतना ही संपत्ति था जो इंडिया ने आधा कर दिया था। लेकिन आज इंडिया कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है आप देख ही सकते होंगे, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बातें सुनकर, ये बातें फील कर थोड़ा सा खुश भी लगता है, और बंटवारे की बातें सुनकर और आज पाकिस्तान इंडिया को आंख दिखाता है ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो नाम ही नहीं था ना दुनिया में, वो इंडिया का ही तो एक पार्ट है ना। लेकिन देखिए आज वही कंट्री इंडिया को आंख दिखाने की ट्राई करता है, इंडिया को लोगों को मारता है, आतंकवादी हमला करवाता है। ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री अलग ना होते तो सोचिए यार आज इंडिया कितना बड़ा होता, इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कंट्री, वर्ल्ड में सबसे यार सबसे पावरफुल कंट्री इंडिया होता। हालांकि एक दिन देखिए इसी हालत में इंडिया सुपर पावर भी ज़रूर बनेगा। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल जय हिंद। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना यार।